मलाई रोड, मलाई रोड बहुत बढ़िया रोड है भाई, का बताए एकदम। हेलो दोस्तों, बुजुर्ग बच्चा बड़ी मिले सकती है, फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। राइट नाउ हम इन सिलचर होटल में जो रुके थे वो यहाँ पे है, सेंट्रल पैलेस बोल के होटल है। इट इज़ हाईली नॉट रिकमेंडेड होटल, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग की फैसिलिटी है नहीं और स्टाफ का सर्विस बहुत ही ख़राब है, बहुत ही रूड बिहेवियर है इनका। काफ़ी हेक्टिक रहा, सुबह निकलना था हमें 5-8 बजे, लेकिन बहुत लफड़ा हो गया होटल वालों के साथ। मतलब 5 बजे हमको बुलाया बाइक हटाने के लिए, हम आए फिर भी हटा नहीं पाए, फिर 7 बजे बुलाया इन्होंने, तो बहुत सारा लफड़ा हो गया था, इसके चलते थोड़ा देर से उठे। अभी 10:30 हो चुका है और अभी निको भाई को हो चुकी है थोड़ी सी तकलीफ अपनी बाइक में, उसका मोबिल डाउन करवाना है, नया मोबिल डलवाना है। मतलब इंजन ऑयल का चेंज करने का इंडिकेटर आ रहा है पल्सर 220 में, तो उसको भी चेंज करवाएंगे यही पास में जाके। बाकी बाइक का वार्म अप वगैरह कर लिया है, यहाँ पे कुछ सब्सक्राइबर मित्र भी आ चुके थे, उनसे मिलवाते हैं। चलिए, नाम दलपति सिन्हा है। दलपति पहचाना आपने? पहले था, पहले देखा भाई को आपने? और यूट्यूब चैनल है किसी का? नहीं है ना। 25 किलोमीटर से आया हूँ आधा घंटा भाई, 25 किलोमीटर बाइक चला के आया मिलने के लिए 7 बजे से, क्योंकि मैंने स्टोरी डाला था सुबह सुबह निकलना है, लेकिन होटल वालों के साथ पंगा हो गया सुबह सुबह, तो इसके चलते देर हो गया, अभी निकलने वाले। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हो जाएगा ना, डाल दो गाड़ी, डाल दो। A few inches later. यहाँ से अगर राइट लेंगे वी विल हेड टुवर्ड्स आइजवाल मिजोरम, बट यहाँ से हमें लेना है लेफ्ट टुवर्ड्स मणिपुर इम्फाल। मारवाड़ी सम्मिलन सिलचर। सो चढ़ चुके हैं ब्रिज पर सिलचर मणिपुर हाईवे के ऊपर में। नहीं चाहिए पेट्रोल है? ओके भाई, बड़ा पड़ गया क्या बाइक? ड्यूक थोड़ा बड़ा हो गया। चलो कोई नहीं, चलो थैंक यू। बुरा लगता है बाइक करने को, लेकिन वी हैव टू मूव ऑन, दिस इज लाइफ। आगे दूसरी मंजिल की ओर जिरीबम होके, जिरीबम खतरनाक वाला रोड, जिरीबम। एंड आवर टुडेज डेस्टिनेशन इज इम्फाल, व्हिच इज अराउंड 250 समथिंग ऑड किलोमीटर्स फ्रॉम सिलचर। लेकिन आफ्टर क्रॉसिंग जिरीबाम, अभी भाई लोगों से पता चला कि रोड काफ़ी ख़राब है आगे जाके, और घर वालों से भी बहुत कॉल आ चुका है कि जिरीबाम जा रहे हो, पास का वातावरण भी खतरनाक है, इस तरह से कुछ सूचना मिला है, वार्निंग। चलो देखते हैं कौन से खतरे से पाला पड़ता है हमारा। किलोमीटर है जिरीबाम 25, पुले थाल 12। अच्छा, पुले थाल, फूले थाल, मतलब थाल जो है उसको फूल करके खाना दे के बोलेंगे फूले थाल। टाइम हो रहा है 11:30। दिस इज ए हाईवे नॉट ए रनवे, ड्राइव स्लो, ड्राइव स्लो ही कर रहे हैं। 1061 किलोमीटर चला चुके हैं गुवाहाटी से, तो सिलचर से लगभग 15-20 किलोमीटर क्रॉस करने के बाद ही पहाड़ियों वाला रोड मिल चुका है, जो लेके जाएगा हमें जिरी घाट, उसके बाद जिरीबाम। मज़ेदार वाला रोड है अभी तो। पहुंच चुके हैं जिरी घाट, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट दिख गया है, यहाँ पे कुछ खा लेते हैं। क्यों भाई, खा लेते हैं ना, कुछ खा लेते हैं। सो दास होटल बोल के एक रेस्टोरेंट है, यहाँ पे खाने के लिए रुके थे, चावल दाल चावल खा लिए है। भाई साहब से मुलाकात हुआ था, क्या नाम है आपका? सुकोर्ती दास बोल के भाई साहब का नाम है। इनसे पूछा मैंने जिरीबाम के बारे में, कैसा रोड है, रोड अभी फुल ऑन अच्छा रोड बना चुके है, रोड बन चुका है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। और जिरीबाम में जो फिर एक्स्ट्रा टेरेस्टेरियल होता रहता है कुछ कभी कभार, वो अभी नहीं है, अभी फ़िलहाल सब कूल है, कोई टेंशन वाला बात नहीं है ना। सही है, चलो फिर मिलते हैं। तो आप कभी भी आइएगा इस रूट में तो इस होटल में खाना खाइएगा, बहुत ही टेस्टी खाना है। निको भाई का बाइक, बाइक कुछ दिक्कत दे रहा है क्या? प्रॉब्लम सब सही चल रहा है ना, मस्त मक्खन चल रहा है बाबा। अभी मक्खन जो खाना तो खा लिया, पेट तो फुला लिया, नींद आएगा। ऊपर से ऊपर में सूरज चाचू भी जाग चुके हैं थोड़ी देर पहले, फिर बाद में फिर बारिश शुरू होगा, ऐसा ही दिन चल रहा है। हम लोग का तो पूरा खत्म ही हो गया, मिजोरम बाकी रह गया ना। हाँ, अरुणाचल के भी ट्रिप कभी किया है, वो चैनल में है, एल्बम में चेक कर लीजिएगा, और भाई का भी चैनल में है निको ब्लॉग्स में। थोड़े आगे जाके बॉर्डर क्रॉसिंग मिलेगा, मिलते हैं वहाँ पे। चलिए, तो आई गेस हम लोग अभी एंटर करने वाले है जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट मणिपुर। सो फाइनली वी आर लीविंग असम एंड एंटरिंग मणिपुर स्टेट, बहुत बढ़िया। नुंगबा बराक बोल के भी जगह है कुछ साथ में है पल्सर 220 और 321 सीसी का R3, तो 221 किलोमीटर अभी जाना है हमको। चलो, जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट जिरीबाम पुलिस स्टेशन, सब कुछ जिरीबाम है, सब कुछ जैसे शुरू हो रहा है जिरीबाम। और यहाँ पे जगन्नाथ, ये भी जैसे। अच्छा,
यूथ हॉस्टल बोल के मणिपुर में है, इम्फाल में, उसको हमने वहाँ पे हमने रूम बुक कर लिया है अगले 3 दिनों के लिए, 3 days। अरे बाप रे, भूत बंगला है रे ये। तो ताबड़तोड़ रोड मिल चुका है फिलहाल, देखिए कैसा कीचड़ वाला रोड है। टेंशन की बात नहीं है कि रोड सही नहीं है, रोड सही है, और कीचड़ है, उल्फत जो है हसरतन हबीबी भी कर रहा है। अरे बाप रे बाप, धूल मिट्टी। टेंशन नहीं है, हेलमेट का ग्लास लगा हुआ है। क्या सुवर जी, मरने का है तेरे को? ऑन पुलिस पुलिस। एको भाई पूछ रहे थे क्या भाई ये पुलिस था या फिर क्या था, मैंने बोला पुलिस ही तो लग रहा था। क्या मस्त रोड है रे बाबा, नेशनल हाईवे नंबर पता नहीं कितना है, लेकिन मस्त रोड है एकदम। ऐसा ही तो रोड चाहिए, एडवेंचर वाला, 4 लेन 2 लेन डबल लेन वाला रोड। कहा एंजॉय है इसमें, एंजॉय है, फन है इसमें, फन फन। इम्फाल आज तो सिलचर से आया, ऐसे गुवाहाटी में रहता है, गुवाहाटी से आया घूमने के लिए। ठीक हाँ ठीक है, सो फ्रेंडली पीपल, बाय बाय। तो जो भी लोग काम कर रहे हैं रस्तों में उनसे थोड़ा बात हो गया, दे आर सो फ्रेंडली, बोल रहे थे जाओ जाओ आराम से जाओ, टेंशन नहीं है। बाप रे, निको भाई थोड़ा पेल रहे है, क्या बात है निको भाई। उबर खाबर वाले रोड को छोड़ के उसके बाद से काफ़ी अच्छा रोड मिल रहा है, इस तरह का टर्मिंग मिल रहा है, बहुत ही चला के मज़ा आ रहा है। थोड़ा हाई स्पीड कर रहे हैं, मतलब पिक्चर वाले रोड में 10-15 के स्पीड में आ रहे थे, अभी 50-60 के स्पीड मेंटेन कर रहे हैं। अच्छा इधर से तो पूरा खाई है। इम्फाल 190 किलोमीटर से बाराकपोट, क्या भाई बाराक ओबामा वन व्हीकल एट ए टाइम, अच्छा है। आयरन ब्रिज, थैंक यू फॉर द डीजल वाला फेस वॉश। अरे बाप रे, कैसा डेंजर ब्रिज है बाबा ये, ऑलमोस्ट ब्रोकन, किसी तरह से चल रहा है बस। रास्ता तो अभी फिलहाल अच्छा लग रहा है, लेकिन बहुत ही ज्यादा सुनसान है, क्योंकि दिस पार्ट्स ऑफ इंडिया इज नॉट दैट मच हाइली ट्रेवल्ड, अनटच्ड ब्यूटी, एंड दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट दिस प्लेसेस। कौवा करता है काय काय, और हम पहुंच गए हैं काईमाई। जी हाँ, काईमाई पहुंच गए 0 किलोमीटर। इस जगह का नाम है काईमाई, और यहाँ पे एक चेक पोस्ट है पुलिस वालों का, आर्मी का। एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा, मलाई रोड मलाई रोड, बहुत बढ़िया रोड है भाई, क्या बताए एकदम। नहीं उतारेंगे, पैर नहीं उतारेंगे, हम नहीं उतारेंगे, ना ना बिल्कुल नहीं, एकदम कसम पैदा करने वाले की नहीं उतारेंगे पैर हम। अरे यहाँ पे तो मस्त बम्बू ट्री लगा के रखा है, मतलब नेचुरली आई गेस, बहुत ही सुंदर दिख रहा है अभी ये नज़ारा। तो मैंने अपना GoPro ऑन करके ले लिया है घर में बैठ के देखने के लिए, आपको भी दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें। थ्री एनिमीज ऑफ रोड, लिक्योर स्पीड एंड ओवरलोड। अच्छा स्पीड तो हम जान ही रहे हैं, दारू हमने नहीं पी है, और लगेज हमारा एकदम बराबर, एकदम बराबर है रे राजू। अरे बाप, ये कैसा पेड़ है रे बाबा, इट्स अ ह्यूमंगस ट्री, बहुत ही खतरनाक वाला स्ट्रेच लग रहा है अभी फिलहाल तो। अरे बाप रे, हाँ चढ़ गए, क्या बात कर रहा हूँ मियाँ, मेरे को जाने नहीं देगी तू। तो यहाँ पे एक रोड साइड में बहुत ही अच्छा नज़ारा दिख रहा है, तो लेट मी कैप्चर दिस मोमेंट, ब्यूटीफुल मोमेंट। ऊपर से गिर रहा है झरना, सही है यार, सही है, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद वाला व्यू। काश समय होता हाथ में। बाय बाय झरना।
यहाँ पे एक लंबा सा स्ट्रेच है जहाँ पे कीचड़ उल्फत भरा पड़ा है, तो इसको संभल संभल के क्रॉस करना है अभी। और चाहिए तुमका कीचड़? नहीं चाहिए, नहीं बिल्कुल नहीं। ए मलाई मलाई रस मलाई रस मलाई। हाँ ठीक है, स्लो जा रहे सिलचर से इम्फाल। ठीक ओके, तो हमारे आर्मी वाले भाई साहब ने बताया स्लोली स्लोली जाना है। भाई कैसे भगाएंगे, इतना कीचड़ है कैसे भगाएंगे। बाप रे बाप, हालत खराब हो गया। के चार नहीं फटके आठ हो गए भाई। तो यहाँ से नीचे एक वैली दिख रहा है, नीचे नदी जा रही है, ऊपर में थोड़ा अच्छा दिखने वाला एक पहाड़ है, अच्छा लग रहा है इसलिए रोके थे। और यहाँ पे एक टनल है पर लेकिन बहुत ही भयानक है। पहुँच गए हैं नुंगबा बाजार। टाइम हो चुका 3:22 और हमारे निको भाई रह गए थोड़े पीछे, आगे जाके रोकेंगे उनको आने देंगे। इम्फाल है 65 किलोमीटर्स। यार यहाँ नीचे में है नूने टाउन, ये देखिए नीचे में नूने गांव, नूने। यहाँ पर थोड़ा रुके थे, आपने नज़ारा देखा होगा टाइम लैप्स वगैरह वगैरह फलाना डिमका हम भी होने वाली है अभी। डायरेक्टली इम्फाल पहुँचने से पहले ही कैमरा ऑन करेंगे। चलो बाय बाय बाय। फाइनली एंटर कर चुके हैं इम्फाल। टाइम हो रहा है अभी 6:40। हमारे पहुंच चुके हैं यूथ हॉस्टल। हेलो, हाँ हाँ, आई रीच्ड द यूथ हॉस्टल जस्ट नाउ। वेरी गाइस, जस्ट नाउ पहुंच चुके हैं थोड़ी देर पहले इम्फाल में, और जो होटल में स्टे कर रहे, होटल नहीं यूथ हॉस्टल है, और बहुत ही सस्ता पड़ा ये, बजट का मामला चल रहा है फिलहाल। तो रूम टूर का क्या दिखाना, देखे कैसा हालत है रूम का, ऐसा ही है मतलब सस्ता टिकाऊ। इफ़ यू आस्क मी तो 300 रुपये का पड़ा ये रूम, और यहीं पे हम लोग स्टे करने वाले हैं 2-3 दिन, जो एक्सप्लोर करने वाले हैं इम्फाल एज वेल एज विल हेड टूवर्ड्स म्यांमार ऑल्सो। थक चुके हैं पहाड़ों में चला चुला के, और अभी नहा धो के फ्रेश होकर खाना वाना खा के सीधा सो जाएंगे। तो अब तक अगर वीडियो देख के पसंद आया है तो लाइक शेयर हमें जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और टिल देन ड्रीम बिग, बी पैशनेट एंड ऑलवेज राइट सेफ। चलिए बाय बाय बाय। तरफ छोटा छोटा घर है देख सकते हो आप।